अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आज गुरु पूर्णिमा की उजवणी निमित्ते खास कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो। श्री जलाराम रघुवंशी लोहाणा कम्युनिटी सेंटर खाते योजायेला कार्यक्रम में गुरु पादुका पूजन तेमज देव आह्वान अने अखंड जाप राखवामां आव्या हता, ज्यां अखिल विश्व गायत्री परिवार सभ्यों द्वारा गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य अने गुरुमाता भगवती देवी शर्माजी पूजन करवामां आव्युं हतुं। आज रोज गुरु पूर्णिमा पर्व अषाढ़ सुद पूनम अमरा परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनीश पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी अने अमरा गुरु माता विश्व वंदनीय माता भगवती देवी नू आज गुरु पर्व निमित्ते समग्र गायत्री परिवार आज एकत्र थयो छे। एने गुरु पादुका पूजन षोडशोपचार करी रह्या छीए। एनी साथे विशेष महत्व ए छे कि आ समग्र षोडशोपचार गुरुपादुका पूजनों क्रम युवानों बेसीने आ क्रम संपन्न करी रह्या छे। साथे साथे गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा स्वर्ण जयंती वर्ष घोषित करवामां आव्युं छे। 50 वर्ष स्वर्ण जयंतीना पूरा थई रह्या छे त्यारे शांतिकुंजनी जे कई गतिविधिओ छे गायत्री तीर्थ हरिद्वारमां जे मिशनना 7 क्रांतिकारी आंदोलनों से ये कार्यों ने वेग आप युवा शक्ति ने आ मिशनना कार्यनी साथे जोड़वानो एक श्रेष्ठ उद्देश्य रह्यो छे। अने अत्यारे युग परिवर्तन की प्रक्रिया में परम पूज्य गुरुदेवनो एक श्रेष्ठ संकेत हतो के मारा बाळको मारा परिजनों आ युग परिवर्तन की प्रक्रिया में यश अने कीर्ति प्राप्त करे। परिवर्तन निश्चित छे। परम पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल हता। तेओ स्पष्ट जारे एक छेल्ला प्रवचन में एमणे कीधुं हतुं के बेटा जब कई नई नौकरी निकलती है ना तब सब माँ बाप वही सोचते हैं कि ये नौकरी मेरे बेटे को मिल जाए। तो हमारे गुरुदेव का एक स्वप्न है कि युग परिवर्तन प्रक्रिया में नए युग के निर्माण में हमारे ही बाल बच्चे हमारे बालक उस कार्य में जुड़ जाए और यश और कीर्ति के भागीदार वो सब बने। यही परम पूज्य गुरुदेव का सपना था। परम गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार परम पूज्य गुरुदेवनु एक दिव्य स्वप्न है कि आवनार युग है ये निश्चित रूप से सतयुगन मंडाण थवा जाइ रह्यु छे। त्यारे विश्ववंदनीय माताजीए पण एम जणाव्यु छे कि बेटा परिवर्तन निश्चित है साथे साथे विनाश एनी साथे सृजन पण कार्य करी रह्यु छे। જ્યારે સૃજનનું કાર્ય ચાલતું હોય ત્યારે બંને પક્ષે સાવધાન રહીને એ કાર્યને આગળ વધારવાનું હોય છે। એમાં યુવા શક્તિને પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના 7 ક્રાંતિકારી આંદોલનોને અમે સમજાવી રહ્યા છીએ ગુરુપાદુકા પૂજનના ક્રમની અંદર અને ગુરુ કાર્યને વેગ આપવા માટેનું ગુરુના જે કાર્યો છે ગુરુએ જે કર્યું છે એ નહીં પણ ગુરુ જે કહી રહ્યા છે એ કાર્યને અમે આગળ વધારવા માટેનો પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવનો જે અમારો આ એક संकल्प छे के नया युग का निर्माण होने वाला ही है तो निश्चित रूप से ये युवा शक्ति नया युग के कार्यों में जुड़ जाए वही हमारा एक संकल्प रहा है। हूँ अखिल विश्व गायत्री परिवार वडोदरा अनिल भाई रावल। आज रोज गुरु पूर्णिमा महापर्व निमित्ते वडोदरा शहर अखिल विश्व गायत्री परिवार वडोदरा शहर समन्वय समिति द्वारा समग्र वडोदरानो अहीं गुरुपूजन पादुका पूजन नो कार्यक्रम श्री जलाराम रघुवंशी लोहाणा महाजनवाड़ी खाते राखेल छे। अखिल विश्व गायत्री परिवार के जेमा वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी तेमज भगवती देवी शर्माजीना द्वारा स्थापित एक संगठन छे जेमा हमेशा सदविचारों सद आचरण जेना पर भार मूकीने आ संगठन आगळ वधारवामां आवी रह्यु छे। गुरु पर्व छे गुरु पूर्णिमा छे गुरुए आपेला संदेशोने जीवनमां उतारवा माटे वधारे कटिबद्ध बनवा माटे आजनो आ पूजन कार्यक्रम करवामां आव्यो छे। गुरु प्रत्येनुं समर्पण समग्र परिवारजनो राखीने एमना बतावेला संदेश पर आगळ वधे एवी कामना करवामां आवे छे। गुरु शक्ति ने अपना द्वारा आजना सुप्रसंगे समर्पण भाव थी गुरु दक्षिणा रूपे एक संकल्पित थई गुरु द्वारा शीखवेला जे आंदोलनों छे तेने फलीभूत करवा माटेना संकल्पो लेवामां आवशे। समग्र गायत्री परिवार अहीं उपस्थित छे। आप जोई शको छो के अखिल विश्व गायत्री परिवारना
परिजनो जे साधक सरना परिजनों थी लई अने दरेक कार्यकर्ताओ आजे अहीं उपस्थित छे। खूब ज गुरुमय वातावरण छे अने समग्र वातावरण गायत्रीमय बन्युं छे, त्यारे आप सौने पण गायत्री माता तरफथी खूब खूब शुभेच्छाओ, शुभकामनाओ अने गुरु पूर्णिमानी खूब खूब शुभकामनाओ। धवल पुरोहित, अखिल विश्व गायत्री परिवार, युवा संवाहक। आज रोज भारतीय संस्कृतिनो अति पावन पर्व जेने गुरु पूर्णिमा पावन पर्व कहेवाय छे, ज्यां गुरुनो एक अंश सद्गुरु एनो एक अंश शिष्यने आपे छे अने शिष्य एनी श्रद्धा अने समर्पणथी गुरुना कार्यने आगळ धपावे छे। आ दिव्य अने पावन पुनीत पर्व पर आजे अखिल विश्व गायत्री परिवार वडोदराना समस्त परिजनों तथा समस्त शहर समन्वय समिति द्वारा अहींया वडोदरा शहेरनो एक दिव्य पावन कार्यक्रम थई रह्यो छे। COVID-19 गाइडलाइन्स ने अनुसरी शहरना तमाम वरिष्ठ युवाओ, देवतुल्य माताओ, बहनों अने भाईओ अनी अंदर सक्रियताथी अने सौ उल्लासथी भाग लई रह्या छे। आजे विशेष रूपथी पादुका पूजननुं पण विशेष महत्व छे गुरु पर्व पर, तो एमां युवा शक्ति पण अति उल्लासथी एमनी भूमिका निभाई रही छे। અને જેમ કીધું કે આવનારા સમયમાં ભારત દેશ અત્યારે જોવા જાય તો સૌથી યુવાન દેશ કહેવાય છે ડેમોગ્રાફીની દ્રષ્ટિએ। એ યુવાન દેશની અંદર આજે 65% યુવા શક્તિ આપણી યુવાનોમાં છે, 35 વર્ષથી વયની નીચે। જો આ યુવા શક્તિને આવા આધ્યાત્મિક આંદોલનોથી, અમારા સપ્તસૂત્રી આંદોલનોથી એમને જો એમને જાગૃત કરીશું, એમને દિશા આપીશું, એમને માર્ગદર્શન આપીશું, તો એ યુવા શક્તિ આ દેશને ફરીથી પુનઃ જગતગુરુ અને સોનેકી ચીડિયા પ્રાપ્ત કરાવશે, એ બે એમાં બે મત નથી। એ જે ગુરુદેવની સંકલ્પના છે, 21મી સદી ઉજ્જવળ ભવિષ્ય અને ભારત ફરીથી જગતગુરુ અને સોનેકી ચીડિયા બનશે, મનુષ્યમાં દેવત્વ અને ધરતી પર સ્વર્ગનું અવતરણ થશે એ નિશ્ચિત છે। જીગર ઠક્કર, અખિલ વિશ્વ ગાયત્રી પરિવાર તરફથી धन्यवाद। सब्सक्राइब करो फैक्ट फंड न्यूज चैनल ने अने YouTube ऊपर बेल आइकन दबावी समाचारों ने तमाम अपडेट मेड़वो।